गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो आज की इस एफएसटी 61 का डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। होपफुली आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। तो आज के इस डिस्कशन की शुरुआत हम अपने रेस्पेक्टेड सर के स्लोगन अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको के साथ करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन। देखिए क्वेश्चन नंबर वन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज ए रियलिस्टिक सिचुएशन फॉर ए बॉडी इन मोशन। कौन सा ग्राफ रियल वाली सिचुएशन को शो कर रहा है? देखो बेटा, अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे, तो टाइम देखो रिवर्स हो रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये ग्राफ तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा ग्राफ हमारा बनता है, सच में बनता है। तो ये तो अभी सही लग रहा है। थर्ड में चलते हैं, थर्ड में भी देखो टाइम वापस की तरफ लौट रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये तो पॉसिबल है ही नहीं। यहाँ पे टाइम की वैल्यू कहीं पर नेगेटिव नहीं हो रही है, लगातार बढ़ रही है। तो हमारा ये ग्राफ सही है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर टू। ठीक है, तो मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर टू ये है, द स्पीड ऑफ ए बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इट क्रॉसेस ए रिवर ऑफ विथ 1 किलोमीटर अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ इन 15 मिनट्स। द वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द रिवर इज। तो देखो भैया, शॉर्टेस्ट पाथ में इसको नदी को क्रॉस करना है। तो जैसे तुम्हारे पास ये रिवर है, इसकी विड्थ आपको दे रखी है कि विड्थ 1.0 किलोमीटर के इक्वल है। शॉर्टेस्ट पाथ में रिवर को क्रॉस करने के लिए उसको ओ से चलकर सपोज पी तक जाना है। तो ये जो हमारा स्विमर है या बोट है, ये बोट हमारी मूव करना स्टार्ट करेगी कुछ इस तरह से, किसी एंगल थीटा पर। तो हम जानते हैं कि अगर रिवर फ्लो की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो वाटर की वेलोसिटी है वो वी है, मैन की वेलोसिटी यू है। तो शॉर्टेस्ट पाथ में इसको नदी को क्रॉस करने के लिए जो हमारा कॉस थीटा है, उसकी वैल्यू वी अपॉन यू के इक्वल होनी चाहिए। देखिए ये थीटा है, इसका ये कंपोनेंट यू कॉस थीटा हो जाएगा वेलोसिटी का, ये हो जाएगा यू साइन थीटा। यू की वैल्यू आपको 5 किलोमीटर पर आर गिवन है। इसको क्रॉस करने में इसको 15 मिनट्स का समय लग रहा है, यानी कि 1/4 आवर का टाइम लग रहा है। तो हम जानते हैं टाइम हमारा जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के इक्वल होता है। टाइम की वैल्यू देखें तो 1/4 आवर्स है, डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, स्पीड की वैल्यू आपको दे रखी है। देखो ये है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड रिवर वाटर, स्पीड ऑफ बोट है, तो इसकी वैल्यू है यू एच 5 एंड साइन थीटा। तो यहां से जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू 4/5 के इक्वल आ गई। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है, इसका मतलब जब कॉस थीटा निकालेंगे उसकी वैल्यू आपकी 3/5 आ जाएगी। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करेंगे कॉस थीटा की जगह 3/5, 3/5 इक्वल टू वी अपॉन 5। यू की वैल्यू 5 है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो वी की वैल्यू आ गई 3 किलोमीटर पर आर, इसकी वैल्यू आ गई। तो आंसर होगा किलोमीटर पर आर में 3 किलोमीटर पर आर। आई थिंक ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखो बेटा, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए पोलराइड इज प्लेस एट 45 डिग्री टू एन इनकमिंग पोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट। ओके, नाउ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू पोलराइड आफ्टर पोलराइजेशन विल बी। हम जानते हैं पोलराइजेशन, पोलराइड से पास होने के बाद इंटेंसिटी आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाती है। थीटा तुमको 45 डिग्री दे रखा है, तो हो जाएगा आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर 45। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आई नॉट बाई टू। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर टू। ये भी बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फोर। इफ द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज डबल, टाइम ऑफ फ्लाइट को डबल कर दिया गया है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला देखो, टी इक्वल टू क्या होता है, टू यू
साइन थीटा अपॉन जी, या इसी को हम लोग टू यू वाई अपॉन जी लिख देते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट को डबल कर दिया गया है, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू द मैक्सिमम हाइट अटेंड इज, ठीक है, जो बेटा मैक्सिमम हाइट है एच वो हमारी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी होती है, या यू वाई स्क्वायर अपॉन टू जी के इक्वल होती है। तो देखो यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट को डबल कर दिया गया है, टू कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट का डबल करने का मतलब है कि टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यू वाई के। टाइम ऑफ फ्लाइट डबल हुआ है, इसका मतलब वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट भी डबल हुआ है। तो जब वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट डबल हो जाएगा तो जो तुम्हारी हाइट है मैक्सिमम हाइट ये हो जाएगी फोर टाइम्स। सपोज इसको हम एच डैश से लिखे तो एच डैश हमारा फोर टाइम्स एच के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जब आप वर्टिकल कंपोनेंट को डबल करोगे तो इसका स्क्वायर आएगा, टू का स्क्वायर फोर होता है। आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया, बिकम फोर टाइम्स, राइट। ओके, मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फाइव। ए वायर ए बी इज प्लेस बिफोर ए कॉन्केव मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। द टोटल लेंथ ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज, इमेज फॉर्म की टोटल लेंथ बता दी है, ठीक है भैया। देखो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है, तो ये जो ए पॉइंट है इसकी इमेज जहां पर ये है वहीं पर बनेगी, तो हमें सिर्फ बी की इमेज निकालनी पड़ेगी। देखो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 40 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस पॉइंट की जो बी पॉइंट है, सपोज इसको मैंने मान लिया कि ये हमारा यू है, तो यहां से इस जो डिस्टेंस दे रखी है आपको 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस दे रखी है, इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग वी कैलकुलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है, देखो भैया 1/v + 1/u इक्वल होता है 1/f के। तो 1/v ये ऑब्जेक्ट हमारा इंसिडेंट रे के अपोजिट रखा है, सो माइनस का 1/ ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, बी की डिस्टेंस है 30 इक्वल टू फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो माइनस का 1/20 कॉनकेव मिरर है। यहां से 1/v की वैल्यू आ जाएगी 1/30 माइनस का 1/20 एलसीएम ले लेते हैं तो 60 एलसीएम हो जाएगा 2 और माइनस का 3 हो जाएगा, तो 1/v की वैल्यू माइनस का 1/60 हो जाएगी, वी की वैल्यू आ गई -60 सेंटीमीटर। इसकी जो इमेज बन रही है बी पॉइंट की वो बन रही है -60 सेंटीमीटर पर, यानी यहां पे कहीं ये हमारा वी की वैल्यू होगी। तो अगर इमेज की साइज की बात करें तो वो इतना होगा और उसका जो साइज आएगा बेटा यहां से यहां तक की डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस तुम्हारी 60 सेंटीमीटर है। तो जो हमारी यहां पर लेंथ ऑफ इमेज आएगी, जो लेंथ ऑफ इमेज आएगी वो 60 - 40 से 20 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगी। आई थिंक ये बात सभी लोगों को क्लियर होगी, आप सबको ये बात क्लियर हो गई होगी हमारी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। ए मैन रन्स टुवर्ड्स मिरर एट ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ हिज इमेज। एक आदमी एक मिरर की तरफ जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से, उसकी इमेज की स्पीड क्या होगी। तो देखो भैया यहां पर एक्चुअली में थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन होना चाहिए कि मिरर हमारा प्लेन मिरर होगा, प्लेन मिरर होगा, राइट। तो देखो अगर प्लेन मिरर है, अगर प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट हमारा यहां से एक्स सेंटीमीटर पर है या एक्स डिस्टेंस पर है, तो इसकी इमेज एक्स पर ही बनती है। हम लोग ये जानते हैं ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज है। तो अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है तो इमेज की स्पीड भी कितनी होगी, 15 मीटर पर सेकंड ही होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। अगर विद रिस्पेक्ट टू मैन पूछ लेते, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट पूछ लेते तो स्पीड हो जाती 30 मीटर पर सेकंड। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा गया है या विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यंग्स डबल सेटअप फॉर इंटरफेरेंस शिफ्टेड फ्रॉम एयर टू विद इन वाटर देन फ्रिंज विड्थ, ठीक है बेटा। देखो क्या होता है, फ्रिंज विड्थ हमारी जो होती है वो लैम्डा डी अपॉन डी के इक्वल होती है। जब उसको वाटर पे शिफ्ट कर दोगे तो जो बीटा डैश है वो हमारा लैम्डा बाई एन डी बाई डी के इक्वल हो जाएगा, जहां पर एन हमारा मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। तो यहां से हम देख रहे हैं कि बीटा डैश हमारा बीटा बाई एन के इक्वल हो गया, इसका मतलब फ्रिंज विड्थ हमारी क्या हो गई, डिक्रीज कर जाएगी।
तो सिक्स का जो करेक्ट ऑप्शन, सेवन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, एट व्हाट एंगल शुड ए रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री सो दैट इट जस्ट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द अदर फेस। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज अंडर रूट 2 एंड साइन 15 की वैल्यू भी आपको दे रखी। तो देखो बेटा, यहां पर जैसे ये आपके पास एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है वो आपको 60 डिग्री दे रखा है। एक लाइट रे कुछ इस तरह से आ रही है किसी एंगल आई पर, यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ, इसके बाद ये लाइट रे हमारी ऐसे चली गई, यानी यहां पर हमारा जस्ट कंडीशन आ गई क्रिटिकल एंगल की सिचुएशन, राइट। तो ये वाला एंगल आई है, इसको हमने आर वन मान लिया, यहां पे आर टू, ये एंगल हो गया आर टू, यहां पर हमारा क्रिटिकल एंगल है। तो देखो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि जो साइन आर टू है वो 1/n के इक्वल होता है, तो n दे रखा रूट टू, यानी यहां पर इसकी वैल्यू 1/√2 हो जाएगी जो कि साइन 45 के इक्वल हो जाएगी। तो यहां से आर टू की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो आर वन प्लस आर टू है वो a के इक्वल होता है, तो आर वन की वैल्यू 60 - 45 से 15 डिग्री के इक्वल आ जाएगी। अब हम ये जो P, इस पॉइंट को P मान लेते हैं, इस पॉइंट को Q एज्यूम कर लेते हैं। P पॉइंट पर हम स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं, तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ जो साइन I बाई साइन R है यानी R1 है वो N2/N1 यानी रूट टू के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से साइन I की वैल्यू रूट टू और ये साइन 15 डिग्री हो जाएगी। साइन 15 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवेन है, तो इसका मतलब यहां से साइन I की वैल्यू अंडर रूट टू, साइन 15 की वैल्यू रूट थ्री माइनस 1/√2 हो जाएगी, रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट थ्री माइनस 1/√2। तो बेटा यहां से अगर आई निकालेंगे तो आई की वैल्यू साइन इनवर्स अंडर रूट थ्री माइनस 1/√2 के इक्वल आ जाएगी। अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बता दो बेटा कौन सा ऑप्शन सही है। एट का अगर देखें तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। आई थिंक ये क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वर्डन बाय ए गैस इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज मोर देन द वर्डन बाय द गैस इन द सेम एक्सपेंशन एडियाबेटिकली। तो देखो अगर हम इसका पीवी ग्राफ बनाए, यहां पर प्रेशर है, यहां पर वॉल्यूम है, इनिशियल स्टेट मान लो सेम है, यहां से चले हैं और यहां पे कहीं ये फाइनल स्टेट है, दो तरह के प्रोसेस हो रहे हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस ये होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस ये होता है। आइसोथर्मल की स्लोप कम होती है एडियाबेटिक के कंपैरिजन में। तो अगर आप यहां पे देखें तो ये आइसोथर्मल है और ये एडियाबेटिक है। हम जानते हैं कि वर्क हमारा क्या होता है, जो हमारा वर्क है वो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ और वॉल्यूम एक्सिस के बीच का एरिया होता है। तो यहां पे क्लियरली दिखाई दे रखा है कि आइसोथर्मल कर्व के अंदर का जो एरिया है वो ज्यादा होगा, यानी कि ये जो तुम्हारा स्टेटमेंट है या असेसन है ये बिल्कुल सही है। रीजन की बात करते हैं इस क्वेश्चन में, हम रीजन की बात करते हैं। टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन नॉट इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन एसर्सन का रीजन के साथ कोई संबंध नहीं है। वो तो वर्डन की बात कर रहे हैं, यहां पे टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो हम सभी जानते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, ना कि एडियाबेटिक प्रोसेस में, राइट। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, बोथ एसर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्सन। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। आई थिंक मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। ए बैलून है 5 moles ऑफ हीलियम, n की वैल्यू दे रखी है 5 moles, ठीक है भैया, हीलियम है, मोनोएटॉमिक गैस है याद रखिएगा, टेम्परेचर 7 degree centigrade दे रखा है, यानी टेम्परेचर की वैल्यू हो गई 280 केल्विन। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो हम जानते हैं U हमारा n CV T के इक्वल होता है, n की वैल्यू तुमको 5 moles दे रखी है, CV की वैल्यू क्या है, मोनोएटॉमिक गैस है हीलियम,
तो वो हो जाएगी 3/2, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू 280। जल्दी से सॉल्व कर दीजिए इसको, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। सॉल्व करेंगे 2 से ये 140 आ जाएगा, जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको, सिंप्लीफाई करने पर इसका आंसर आ रहा है 3rd 1.74 × 10⁴ जूल के इक्वल। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये है, द स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस ऑन ए स्ट्रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन वेयर एक्स एंड वाई आर इन सेंटीमीटर एंड टी इज इन सेकेंड्स। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव नोट्स, दो कंजिक्यूटिव नोट्स के बीच का डिस्टेंस बताना है। ओके बेटा, ये जो इक्वेशन गिवेन है इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, वाई इक्वल टू ए कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी के साथ। तो देखो यहां पर देखने पे दिखाई दे रहा है कि के हमारा पाई बाई 3 के इक्वल है और ये 2π/λ होता है, पाई से पाई कैंसिल हो गया तो लैम्डा की वैल्यू यहां पर आ गई तुम्हारी कितनी, 6 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव नोट्स, तो दो कंजिक्यूटिव नोट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है डी, वो λ/2 होता है, तो 6/2 करेंगे तो वो 3 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। तो देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, यहां पर अपना सेकेंड ऑप्शन, राइट। सभी लोगों को मेरी ये बात समझ में आ गई होगी बेटा, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, एक पार्टिकल हमारा सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है भैया, सर्कुलर पाथ में मूव करा दिया, ठीक है। द एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल अटेनिंग स्टैंड आर ओमेगा वेक्टर, वी वेक्टर, अल्फा वेक्टर एंड ए सी वेक्टर। Which of the following relation is not correct? देखो भैया, पहला तो दिया है ओमेगा परपेंडिकुलर टू वी, ओके तो हम जानते हैं कि वी वेक्टर हमारा ओमेगा क्रॉस आर होता है, यानी कि ओमेगा हमारा वी के परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो ये बात तो बिल्कुल तुम्हारी जो 12वां क्वेश्चन है इसका जो पहले स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। फिर दे रखा है ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, ये गलत है, ओमेगा पैरेलल होता है या एंटी पैरेलल हो जाएगा। ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू एसी, ये बिल्कुल बात सही है। वेलोसिटी ये परपेंडिकुलर एसी, हम जानते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगता है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती है, ओमेगा और अल्फा परपेंडिकुलर होते हैं प्लेन के, इस डायरेक्शन में हमारा वी वेक्टर होता है, इधर एसी वेक्टर होता है, राइट। तो वी परपेंडिकुलर टू एसी, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो हमसे जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था बेटा, वो पूछा गया था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट पूछा गया था, तो नॉट करेक्ट का मतलब है कि हमारा सेकेंड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, तो यही नॉट करेक्ट वाला ही करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, कैलकुलेट द वर्क डन बाय ए कार अगेंस्ट ग्रिफ्ट इन मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड है, इस स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड में कोई कार मूव कर रही है, ठीक है, ओके। वर्क डन पूछा गया है ग्रेविटी से, मास दे रखा है तुमको 400 किलोग्राम, देखो कितना तुमको कंफ्यूज कराने की कोशिश की गई इन्होंने। सभी जानते हैं कि जो ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और हम जानते हैं वर्क की जो डेफिनेशन होती है, वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वहां पर तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है, यानी वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा हमारा, वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा क्या, 0 के इक्वल। ध्यान रखिएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये डेफिनेशन होती है वर्क डन की। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14। इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन है बेटा, ठीक है। तो देखो एक बात तो हम लोग जानते हैं, कोलिजन हमारे 3 तरह के होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक या इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। हम जानते हैं तीनों ही तरह के कोलिजन में जो हमारा लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी केवल और केवल कंजर्व होती है हमारी इलास्टिक कोलिजन में,
और इनलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है, ध्यान रखिएगा। तो देखो ध्यान से, मोमेंटम सभी में कंजर्व होना है, लेकिन सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। देखो भैया, इन इलास्टिक कोलिजन में लिखा हुआ है कि मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी, एंड ये बात गलत हो गई, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया तुम्हारा रॉन्ग। दूसरे में आते हैं, मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी आर नॉट कंजर्व्ड, नहीं भैया ये तुम्हारा कंजर्व होता है, तो ये भी बात इन्होंने गलत कह दी यहां पर। तीसरे में आओ, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड, फिर बात गलत हो गई यहीं से, यही कंजर्व नहीं होती है, राइट, काइनेटिक एनर्जी। फोर्थ ऑप्शन में आते हैं, वो है टोटल मैकेनिकल एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, बिल्कुल सही बात है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। तो करेक्ट ऑप्शन आ गया यहां पर अपना ऑप्शन नंबर फोर। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द स्ट्रीम ऑफ वाटर इमर्जिंग फ्रॉम ए वाटर टैप नेक्स्ट डाउन एट इट फॉल्स। तो भैया देखो, जैसे ये वाटर का टैप है, इस तरह से यहां पे जब पानी आता है तो नीचे नीचे तुम देखते जाते हो कि इसकी जो धार है, इसका जो वाटर करंट है, उसका जो है वो थिन होती जाती है, उसका मतलब साइज जो है डिक्रीज कर जाता है। द स्ट्रीम ऑफ वाटर इमर्जिंग फ्रॉम ए वाटर टैप नेक्स्ट डाउन, बिल्कुल घट जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। द वॉल्यूम फ्लो रेट एट डिफरेंट लेवल इज सेम, ये तो बात बिल्कुल सही है कि हर लेवल पे जो वॉल्यूम फ्लो रेट होता है वो सही होता है टॉरिसेल थ्योरम से, तो यानी कि हमारा ये बिल्कुल सही बात है। इसमें देखेंगे यहां पर A1 B1 हो जाता है, यहां पर A2 V2 हो जाता है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से। तो जितना यहां से एक सेकंड में पानी बाहर निकल रहा होगा, उतना ही यहां से बाहर जा रहा होगा, तो वॉल्यूम फ्लो रेट सेम रहता है। बट क्या होता है, नीचे आते आते वेलोसिटी इंक्रीज करती जाती है, तो जैसे जैसे वॉल्यूम फ्लो रेट अगर सेम है, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो लेंथ यहां पर वाटर करंट की इंक्रीज कर जाएगी, तो जितनी देर में यहां से इतना पानी बाहर निकल रहा होगा तो यहां पर ज्यादा पानी बाहर निकलेगा। अगर ज्यादा पानी बाहर निकलेगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा डिक्रीज करेगा। तो इसका जो ये चीज इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है, तो 15 का करेक्ट ऑप्शन हो गया 1, मतलब यहां पे एसेप्शन रीजन दोनों सही है और रीजन एसेप्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, इफ द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज डबल्ड द कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज, अरे भैया कोई बॉडी यहां पे रखी हुई है, इधर R लगता है, इधर mg लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू R होता है। अगर इस बॉडी को खींचेंगे, कोई फोर्स लगाकर इस बॉडी को अगर आगे खींच के ले जा रहे हो, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू R है। तो अगर आप नॉर्मल रिएक्शन को डबल कर दो, कुछ भी करो, तो फ्रिक्शनल फोर्स पे फर्क पड़ेगा, बट जो कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज होगा इसका ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड, कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17, देखो फिर से आ गया एसर्शन रीजन का एक क्वेश्चन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ ए मेनी पार्टिकल सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम। बिल्कुल गलत बात है भैया, इंटरनल फोर्सेस से मोशन थोड़े ना होता है, इंटरनल फोर्सेस से मोशन थोड़ी ना होता है, तो मोमेंटम चेंज कैसे होगा, तो इसका एसर्शन तो हो गया भैया तुम्हारा रॉन्ग, एसर्शन हो गया रॉन्ग। अब देखो रीजन की तरफ चलते हैं, रीजन क्या है, इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज द काइनेटिक एनर्जी बट नॉट द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ये बात तो बिल्कुल सही है। जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं, जैसे आप दीवार के सहारे खड़े हो जाओ, दीवार को पुश करो, दीवार तो आगे नहीं जाएगी, आप पीछे की तरफ खिसकने लगेंगे, यानी हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की चेंज हो रही है इंटरनल फोर्सेस की वजह से, राइट। तो एसर्शन सही है भैया, एसर्शन फॉल्स है और रीजन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, एसर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, ये ऑप्शन तुम्हारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, ए बॉल इज ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन, दिस मीन्स दैट इट, अरे जब मूव कर रही है तो रेस्ट पे कैसे होगी भैया, इट इज एट रेस्ट लिखा है, रेस्ट पे तो होगी ही नहीं। द पाथ कैन बी स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर
एंड द बॉल ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, फिर वही बात है यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है तो एक ही लाइन में होगा और सारे के सारे पार्टिकल की वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट सब एक ही डायरेक्शन में होगा, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। थर्ड देखे, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैव द सेम वेलोसिटी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये बात बिल्कुल सही है। फोर्थ देखे, द सेंटर ऑफ द बॉल मूव्स विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एंड द बॉल स्पिन, ये भी गलत है भैया, स्पिन कैसे करेगी। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सभी को ये बात क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 19, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द एरिया बाउंडेड बाय द पाथ। ओके, एक इस तरह से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मान लो वो बी है, चार्ज पार्टिकल क्यू है, इसको इसमें प्रोजेक्ट कर दिया गया है किसी वेलोसिटी वी के साथ। तो कह रहे थे एरिया बाउंडेड बाई, तो हम जानते हैं जब इसको आप, जब किसी चार्ज पार्टिकल को किसी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करते हैं तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करती है, ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करेगी जिसकी रेडियस आर के इक्वल होती है। तो हम जानते हैं रेडियस आर हमारा एम वी अपॉन क्यू बी हो जाएगा। तो यहां पर अगर एरिया बाउंडेड बाय द पाथ की बात करें तो एक सर्किल बनेगा जिसका एरिया हमारा पाई आर स्क्वायर हो जाता है, पाई आर स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको हम लिख देते हैं ए इज इक्वल टू टू पाई बाई टू पाई एम बाई क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू हाफ एम वी स्क्वायर के। मास कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, यानी एरिया इज प्रोपोर्शनल टू हाफ एम वी स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी। तो एरिया हमारा काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल होगा। तो 19वें का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेक 5 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू द इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी। देखो भैया, हम जानते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल होती है। फ्रीक्वेंसी को 5 टाइम्स कर दिया तो एक्स डैश एल 5 टाइम्स ओमेगा एल के इक्वल हो जाएगा, यानी एक्स डैश हमारा 5 टाइम्स एक्सएल के इक्वल हो जाएगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी को 5 टाइम्स करोगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी आपका 5 टाइम्स हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूले का यूज करना है। ऐसे ही क्वेश्चन बेटा नीट में आएंगे। इफ द रीडिंग ऑफ एमीटर A1 इज 2.4 एम्पियर, इसकी रीडिंग दे रखी है 2.4 एम्पियर, ठीक है भैया। द एमीटर्स A2 एंड A3 विल रीड, ओके, A2 और A3 कितना रीड करेंगे। एक बात देखो बेटा, हम अगर यहां से के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V निकालना चाहें तो V कैसे निकालेंगे, V निकालेंगे V इक्वल टू आई आर से। तो V की वैल्यू हमारी I टाइम्स R हो जाएगी, ब्रांच में करंट 2.4 है, R की वैल्यू 20 है, तो V की वैल्यू तुम्हारे यहां से 48 वोल्ट आ जाएगी। अब देखो ये ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच दोनों पैरेलल हैं, तो यहां पर भी वोल्टेज का ड्रॉप V होगा। तो अगर एम्पियर एमीटर 2 की रीडिंग को मैं I2 एज्यूम करूं तो I2 की वैल्यू V बाई R से निकालेंगे, V है 48 बाई R कर देंगे, R है तुम्हारा 30, तो ये हो जाएगा 1.6 एम्पियर के इक्वल, यानी कि I2 तुम्हारा हो गया, वो I2 हो गया 1.6 एम्पियर। तो यहां पे जाने वाली करंट दो पार्ट में ब्रेक हो रही है, तो अगर इसमें जाने वाली करंट I3 है तो I3 की वैल्यू हमारी I1 प्लस I2 के इक्वल हो जाएगी। इधर जाने वाली करंट को मैंने I1 एज्यूम किया, I1 है 2.4, I2 है 1.6, यानी कि ये 4.0 एम्पियर के इक्वल हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे 21 का करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 16 ओम इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, ओके, इसको ओरिजिनल का डबल कर देते हैं, इट्स न्यू रेजिस्टेंस वुड बी। देखो बेटा, हम लोग जानते हैं आर की वैल्यू रो एल अपॉन एरिया होती है, या आर की वैल्यू रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम लिख देते हैं, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है, तो आर हमारा प्रोपोर्शनल हो गया एल स्क्वायर के, ठीक है। लेंथ डबल कर दी, रेजिस्टेंस आर डैश हो गया, आर डैश
प्रोपोर्शनल हो गया 2L स्क्वायर के। अगर हम देखें यहां से तो जो हमारा R डैश अपॉन R है इसकी वैल्यू 4 के इक्वल आ गई, तो R डैश की वैल्यू 4 इंटू R की वैल्यू 16 है, R डैश हो गया हमारा 64 ओम के इक्वल। सो करेक्ट ऑप्शन है 22nd का सेकेंड। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड यू अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ओके एट वाई इक्वल टू जीरो एंटर्स ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इज इक्वल टू बी नॉट माइनस बी नॉट के कैप। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग है विच एडजस्ट टू द राइट वाई एक्सिस। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन कम्स आउट ऑफ द फील्ड आफ्टर सम टाइम विद स्पीड v एट द कोऑर्डिनेट y देन। ठीक है, देखो भैया हम जानते हैं यहां पर स्पीड तो चेंज नहीं होगी, पार्टिकल नॉर्मली एंटर कर रहा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता बेटा तो ये ऐसे बाहर निकलता, ये नेगेटिव चार्ज है, इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये नेगेटिव चार्ज हमारा इस तरह से बाहर निकलेगा, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा जो था, राइट, v बराबर यू के होगा, लेकिन जो y कोऑर्डिनेट है वो तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। तो 23rd का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24 पे मूव करते हैं। द थ्री रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल वैल्यू आर अरेंज इन द डिफरेंट कॉम्बिनेशन सोन बिलो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर डिसिपेटेड विल बी। सभी में बेटा करंट सेम है। देखो अगर सभी रेजिस्टेंस को R एज्यूम कर लें, R R R, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3R हो जाएगा। इसको R R R एज्यूम कर लेंगे तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R by 3 हो जाएगा। इसको भी R R R एज्यूम कर लेंगे, R और R मिलकर हो गया 2R, 2R को इसके साथ सीरीज में जोड़ोगे तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R by 3 हो जाएगा। R R R by 2, R by 2 को आप R के साथ सीरीज में जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3R by 2। अब देखो हम लोग जाते हैं पावर, पावर क्या होती है, I स्क्वायर R के इक्वल होती है, पावर हमारी I स्क्वायर R के इक्वल होती है। तो जरा देखो भैया करंट सब में सेम है, जहां पे रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा वहां पे पावर सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है पहले का, यानी पहले की पावर सबसे ज्यादा, इसके बाद है 3R by 2, इसके बाद पावर हो गई फोर्थ की, इसके बाद है 2R by 3, तो इसके बाद पावर आ गई सेकंड की, इसके बाद है R by 3, तो इसके बाद पावर आ गई हमारी किसकी, थर्ड की, यानी थर्ड की सबसे कम है, फिर सेकंड, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट, थर्ड की सबसे कम, फिर सेकंड, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। हमसे पूछा गया है कि किसमें पावर की वैल्यू को मतलब अरेंज कर रहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीज कर रहा सबसे कम है थर्ड में, फिर सेकंड में, फिर फोर्थ में, फिर फर्स्ट में। ये भी क्वेश्चन आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा, करंट सेम है इसलिए रेजिस्टेंस निकाला गया, किस सवाल किया, अगर वोल्टेज सेम होता तो वी स्क्वायर बाई आर से निकालते हम लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 25, इन ए लार्ज बिल्डिंग देयर आर 15 बल्ब्स ऑफ 40 वाट। तो देखो भैया 15 बल्ब्स हैं 40 वाट के, 5 बल्ब्स हैं 100 वाट के, 5 फैंस हैं 80 वाट के और एक हीटर है 1 किलो वाट का। द वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रिक मेन्स इज 220 वोल्ट, द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ द मेन फ्यूज ऑफ द बिल्डिंग विल बी। तो भैया सबसे पहले काम करो जो फ्यूज है उसको निकालने के लिए हम P इक्वल टू वी आई का इस्तेमाल करेंगे, तो पहले टोटल पावर का कंजम्पशन निकालें। 15 बल्ब हैं 40 वाट के, तो यहां से 600 वाट पावर आ गई। 5 बल्ब हैं 100 वाट के, तो यहां से 500 वाट आ गया। 5 फैंस हैं 80 वाट के, तो यहां से 400 वाट आ गया। एक हीटर है 1 किलो वाट का, तो 1 × 1000 वाट से ये 1000 वाट के इक्वल आ गया। टोटल पावर देखे तो जो पी की वैल्यू आई यहां से 2500 वाट के इक्वल आ गई है। अब करंट निकालना है, निकाल देते हैं भैया।
पावर इज इक्वल टू वी आई, तो आई की वैल्यू पी बाई वी हो जाएगी। पी आपको दे रखा है 2500 वाट और वी है 220, इससे कैंसिल हो गया, 125 अपॉन 11 हो गया। 11 से ये एक बार गया, एक बचा, फिर एक बार गया, फिर चार बचे, फिर 3 टाइम्स गया, 7 बचा, यानी 11.36 एम्पियर के अप्रोक्सीमेटली लगभग आ रहा है। तो जो भी हमको फ्यूज चाहिए उसकी करंट को टॉलरेट करने की पावर 11.36 से ज्यादा होना चाहिए। तो देखते हैं, 8 एम्पियर नहीं होगा, 10 एम्पियर नहीं होगा, 12 एम्पियर से अपना काम चल जाएगा, 12 एम्पियर से अपना काम चल जाएगा। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से अच्छे से पेपर आपको देना है। अब बहुत ही 4 दिन बचे हुए हैं, 4-5 दिन आपके एग्जाम के लिए बचे हुए हैं, राइट। तो बहुत छोटी छोटी गलतियों को अवॉइड करना है, छोटी छोटी मिस्टेक्स, बाकी आता आप सब लोगों को सब कुछ है, ठीक है। तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अब इसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए आपके पास साथ आ रहे हैं आरडी सर। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू। गुड आफ्टरनून बच्चों। तो 1 से 25 तक के क्वेश्चन आपके सामने आज के पेपर के एक्सप्लेन हो गए हैं। ये मेरे हाथ में है 30 अप्रैल 2024 आज वाला फुल सिलेबस टेस्ट, न्यू लाइट टेस्ट सीरीज़ का, और मैं आरडी श्रीवास्तव आप सबका न्यू लाइट चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो हम लोग देखेंगे अब 26 से लेकर के आगे वाले सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 है। ए मेटल रिंग इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली एंड ए बार मैग्नेट इज ड्रॉप थ्रू द रिंग विद इट्स लेंथ अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग। The acceleration of the falling magnet is, तो देखो ये एक रिंग है हॉरिजॉन्टल, और देखो ये मेरे हाथ में पेपर है। हम लोग पेपर की बेटा ओरिजिनल कॉपी इसलिए रखते हैं कि पेपर इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि स्लाइड में कभी कभी यहाँ मिस्टेक हो जाती हैं, तो ओरिजिनल पेपर से दूर हो जाती हैं। तो एक मेटल रिंग है और बार मैग्नेट यहाँ पर कोई है और इसको गिराया जा रहा है। तो पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग मैग्नेट इज। तो यहाँ पे देखो एक चीज बड़ी फंडामेंटल याद रखो, लेंज ला नाम की एक चीज होती है, और लेंज ला को अगर आप लोग याद रखें तो ये उस रीजन को अपोज करता है जो फ्लक्स चेंज करता है। यानी अब ये मैग्नेट है ना, तो इसको तुम गिराओ, तो अगर गिराओगे तो लेंज ला गिरने को अपोज करेगा, अगर ऊपर ले जाओगे तो ऊपर जाने को अपोज करेगा, है ना। तो देखो ये गिर रहा था, तो अगर ये रिंग ना होती तो एम जी फोर्स लगता, ये जी एक्सेलेरेशन से नीचे गिरता, लेकिन जब ये गिरेगा तो फ्लक्स चेंज होगा। तो वो सब कैलकुलेट तो कर ही सकते हो, लेकिन एक चीज समझ लो कि अगर ये गिरेगा तो फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है भाई। फ्लक्स चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि मैग्नेट नीचे गिर रहा है। तो लेंज ला क्या कहेगा, कहेगा ये गिरने को अपोज करना है, यानी मैग्नेट को ना गिरने दो। तो ना गिरने के लिए क्या करेगा, ये इसके ऊपर कुछ फोर्स और लगा देगा। तो जब दो फोर्स हो गए तो पहले खाली mg था, अब mg भी है और माइनस एफ भी है, तो एक्सेलरेशन तो कम हो गया ना, तो एक्सेलरेशन विल बी लेस देन जी। इसका आंसर हमेशा लेस देन जी ही आएगा, और इस पे मैटर नहीं करता है कि आप नॉर्थ साउथ को, नॉर्थ पोल को नीचे रख रहे हो कि साउथ पोल को नीचे रख रहे हो। अब अगर नॉर्थ पोल नीचे आएगा तो इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कुछ और होगी, साउथ आएगा तो कुछ और होगी, ऊपर जाएगा तो कुछ और होगी, नीचे आएगा तो कुछ और होगी, लेकिन अपोज तो करना ही है। लेंजला ठाने बैठा है कि यार जो भी आएगा मेरे में फ्लक्स चेंज करेगा उसका मैं विरोध करूंगा। तो अगर मैग्नेट नीचे आएगा तो ये नीचे आने को अपोज करेगा, तो इसका एक्सेलरेशन जी से कम हो जाएगा। मान लो ये पार कर गया तो ये नीचे जा रहा है, तो ये चाहेगा कि नीचे ना जाए, तो उसके लिए ऊपर फोर्स लगाएगा, तो पार करने के बाद भी इसका एक्सेलरेशन जी से नीचे ही रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर थोड़ी सी हम फंडामेंटल चीज देख करके चलें तो वो बहुत ही आसानी से आंसर आ सकता है।
बाकी इसका सोल्यूशन तो ये भी किया जा सकता है, ये नॉर्थ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फ्लक्स बढ़ रहा है, फिर करंट बनेगी तो ये नॉर्थ पोल बनेगा तो रिपल्सिव लगाएगा, तो वो सबसे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन सीधा सा बात ये है कि लेंजला क्या करेगा, जो मैग्नेट को करवाया जा रहा है उसको अपोज करेगा, तो नीचे गराया जा रहा है तो ये ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ये एक्सेलेरेशन जी से कम हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, नीट में आ भी गया है, तो यहाँ पे फ्लक्स के चक्कर में मत पड़ो। ये कॉयल में जो हमारे पास, पहले देखो, ये पहले क्वेश्चन देख लो कायदे से, इसमें करंट दी गई है 50 एम्पीयर की, तो ये करंट है 50 एम्पीयर की, थोड़ा ये पेन मोटा चल रहा है, और इसकी वजह से देखो ये ऊपर की ओर है, तो इस पूरे रीजन में ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी इस तरीके से, परपेंडिकुलर थी बोर्ड इनवर्ड, और जाहिर है कि ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि फार्मूला जानते हैं ना कि अगर यहाँ से r डिस्टेंस पर अगर हम कैलकुलेट करें मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4π 2i/r, r डिस्टेंस पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रही है, तो अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड में इस लूप को इधर चलाओगे, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो गई होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो EMF प्रोड्यूस हो जाएगा, और वही EMF हमको निकालना है, यही तो पूछ रहा है ना इंड्यूस्ड EMF कितना है। तो इसको निकालने का एक तरीका तो यह है कि हम फ्लक्स चेंज से निकाल लें, दूसरा तरीका यह है कि मोशनल EMF से निकाल लें। आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई रॉड ऐसे चल रही है, जैसे ये रॉड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी वेलोसिटी वी है, तो BLV नाम का EMF होगा, और इसका पॉजिटिव टर्मिनल किधर होगा, निगेटिव टर्मिनल किधर होगा, तो आप ये देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा रहे हैं, ये फील्ड है, ये मोशन है, तो ये जो बीच वाली उंगली है ये ऊपर की ओर है, तो यानी बनने वाले सेल का पॉजिटिव EMF ऊपर होगा और ये EMF की वैल्यू है, तो हम लोग इसी से करेंगे, अदरवाइज मुझे पहले इंटीग्रेट करके फ्लक्स निकालना पड़ेगा और फिर डिफरेंशिएट करके EMF निकालना पड़ेगा, दैट इज़ ए बिग जॉब। तो अगर हम इस रॉड के नाम रख दें, जैसे मान लीजिए कि ये नाम रख दे रहे हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ये चारों रॉड वी वेलोसिटी से चल रही हैं, तो ए बी और डी सी में कोई EMF नहीं प्रोड्यूस होगा, नो EMF इन ए बी और डी सी, क्योंकि वेलोसिटी और लेंथ इनकी पैरेलल है, ये जो तीन हैं हमारे पास, अगर इनमें से कोई भी दो पैरेलल हो गए तो ये EMF जीरो हो जाता है। EMF डेवलप होगा किसमें किसमें, एक EMF डेवलप हो जाएगा बी सी में और एक EMF डेवलप हो जाएगा डीए में, तो अब इसको मान लीजिए E1 कह दिया, इसको E2 कह दिया, तो पहले E1 निकालते हैं, तो E1, तो E1 इज इक्वल टू B, पहले B निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे पूरी एक ही होगी इस वायर की वजह से, म्यू नॉट अपॉन 4π और 2i अपॉन बेटा ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, ये r की वैल्यू है x+a, और बाकी इसकी वेलोसिटी v है और ये l है, लेंथ इसकी a है, तो b की जगह हमने फील्ड रख दी और वेलोसिटी की जगह v रख दिया, इस रॉड की लेंथ a है, और e2 कितना होगा, E2 हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π
टू आई करंट तो वही है, लेकिन ये सिर्फ एक्स डिस्टेंस पर है और इंटू वी इंटू ए, ये मेरे पास आ गया। अब टोटल ईएमएफ कितना होगा देख लो, अब इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं तो इसको हम हटा देते हैं। टोटल ईएमएफ क्या होगा, ये बड़ा ये वाला ईएमएफ ज़्यादा है तो ईएमएफ हो जाएगा ई टू माइनस ई वन। तो अब हम बस सबकी वैल्यू रख देंगे, इन दोनों को माइनस करते हैं तो देखो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई और टू आई वी इंटू ए तो कॉमन है और ये आ जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस ए। बस अब सब वैल्यू रख देनी है तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई की जगह टेन टू द पावर माइनस सेवन, आई की जगह 50, करंट 50 एम्पियर दी थी तो 2 इंटू 50 और वेलोसिटी वेलोसिटी है 10, ये v हो गया और a की वैल्यू दी है 0.1 तो इंटू 0.1 और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन x 0.2 है, ये वाली डिस्टेंस 0.2 दिया है माइनस वन अपॉन 0.3 है, ये मेरे पास है। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करिए, रोका तो आपको किसी ने है नहीं, ये 50 दुनी 100 है और ये 10 इंटू 0.1 तो ख़त्म हो गया तो ये 10 इंटू 0.1 1 हो गया तो ये 100 हो गया तो ये कैलकुलेट हो करके आया 10 टू द पावर माइनस 5। अब यहाँ पे ये 0.2 है तो इसको 10 और 10 कर लो, हटा दो, 10 और कॉमन ले लो और नीचे आ जाएगा 1 बाई टू माइनस 1 बाई थ्री यानी 6, 3 माइनस 2 तो ये 1 हो गया 10 बाई 6 और 10 बाई 6 का मतलब होता है 5 बाई 3 तो 1 पॉइंट, अब दो बचा 5 बाई थ्री 1.67 6 आएगा तो ये 1.66 जितनी बार भी ले जाओ इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, इसका ये फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कठिन नहीं है और न्यूमेरिकल वैल्यू रख दी गई है, थोड़ा आपको कैलकुलेट जरूर करना पड़ा है और चूंकि हम लोग समझाते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है और जो बच्चा हमारे पास मतलब नीट की तैयारी करता है वो इसको कैसे करता है, वो ऐसे करता है, वो सोचता है ठीक है एक ईएमएफ इसमें डेवलप होगा एक ईएमएफ डेवलप होगा तो दोनों की लेंथ बराबर है वेलोसिटी बराबर है तो वी इंटू ए तो बाहर हो गया और b लिखेंगे तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई बाहर हो गया और एक बार लिख देंगे वन अपॉन एक्स माइनस एक अपॉन एक्स प्लस ए और वैल्यू रख के डायरेक्ट वो कैलकुलेट कर देगा। हम तो आपको सारे स्टेप बताते हैं तो हमें तो देर लगेगी, लेकिन ये क्वेश्चन उतना लंबा नहीं था और कैलकुलेशन भी कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था और मैं आपको बताऊँ ये क्वेश्चन नीट में आ भी चुका है, उसमें आंसर कुछ इस टाइप से दिया था वन अपॉन एक्स, मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी थी, वो एलजेब्रा में क्वेश्चन था तो बढ़िया क्वेश्चन था, एक लाइन का था, मैं इसको वन लाइन ही मानूंगा। ये एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें दो चीजें मालूम होनी चाहिए, ये दो मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर है एम वन और एम टू, उनके रेजिस्टेंस दिए गए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हैं, एरिया दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड दी गई है और स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों के हमारे पास आइडेंटिकल है और करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन में थोड़े से नए टर्म्स हैं, अब ये एक्सपेरिमेंट जोड़े हैं तो उसकी वजह से हैं। तो पहले तो हम मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर का बेसिक फार्मूला लिखते हैं, एन आई ए बी इज इक्वल टू के फाई,
इसको टॉर्शनल कांस्टेंट कहते हैं, इसको कहते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट, और के स्प्रिंग कांस्टेंट ही होता है जो स्प्रिंग लगी होती है, बाकी आप जानते हैं नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और ये एरिया ऑफ द कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है। अब हमें मालूम होनी चाहिए करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, तो करंट सेंसिटिविटी होती है फाई अपॉन आई, और वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है फाई अपॉन वी। तो करंट सेंसिटिविटी कितनी बनी, फाई अपॉन आई बराबर हो जाएगा एन ए बी अपॉन के। ठीक है, ये क्वेश्चन उतना कठिन नहीं है जितना आपको लग रहा है, ये बहुत ही सिंपल है। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, अब जैसे ये कॉइल है, आप इसको वोल्टेज लगा दोगे तो करंट कितनी बहेगी, करंट बहेगी वी बाई आर, तो यहाँ पे करंट की जगह वी बाई आर रख दो, तो फाई अपॉन वी, अब ये वी बाई आर रखा, आर ऊपर गया, तो इधर हो जाएगा एन ए बी अपॉन के इंटू आर। तो एक चीज तो हमें समझ गई कि हमें कैलकुलेशन 4 बार नहीं करने हैं, क्योंकि हमारे पास जो करंट सेंसिटिविटी है, अगर उसको हम रेजिस्टेंस से भाग दे दें कॉयल के, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगी। तो करंट सेंसिटिविटी को हम कुछ नाम देते हैं, सपोज इसको अल्फा कह देते हैं, अल्फा इज करंट सेंसिटिविटी। तो बेटा अल्फा वन अपॉन अल्फा टू क्या होगा, तो पहले के लिए के तो दोनों के बराबर दे रखे हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट आइडेंटिकल है, तो एन वन ए वन बी वन, एन वन ए वन बी वन अपॉन एन टू ए टू बी टू, ये आ गया। और आप सारी वैल्यूज निकाल लीजिए, एन वन की वैल्यू 30 है, यूनिट मत चेंज करिए, दोनों की यूनिट सेम है, एरिया है 3.6 × 10⁻³, और मैग्नेटिक फील्ड है 0.25, और डिवाइडेड बाय एन टू मेरे पास है 42, ए टू है 1.8 × 10⁻³, और बी टू है 0.50। अब देखिए ये कैलकुलेशन कोई लंबा नहीं है, आपको डराया गया है। देखिए यहाँ से 1.8 है, ये 3.6 है, तो ये 2 आ जाएगा, 10⁻³ कैंसिल हो जाएंगे, और ये 0.25 है, ये 0.50 है, तो ये 2 नीचे आएगा, और ये 2 से 2 भी कट गया, तो ये करंट सेंसिटिविटी का रेशियो आ गया 30/42। इसको आप और भी काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा 15/21, अभी भी कट जाएगा, 3 से काट सकते हैं, पांच बटे सात। अब देखिए यहां पे पूछा है, यहां पे थोड़ा धोखा है, आपका 5/7 आ रहा है, हमने निकाला है करंट सेंसिटिविटी अल्फा वन अपॉन अल्फा टू, और ये एम वन अपॉन एम टू, ये जो निकला है ये करंट सेंसिटिविटी एम टू की, एम वन की है, ये एम टू की है, लेकिन वो पूछ रहा है एम टू एंड एम वन, तो अगर हम एम टू अपॉन एम वन की निकालेंगे, आई होप कि ये आपको देख लिया होगा, तो करंट सेंसिटिविटी अगर आप निकालेंगे तो अल्फा एम टू अपॉन अल्फा एम वन जो पूछा है वो हो जाएगा 7/5, तो ये 1.4 आंसर आ गया। अब हम करंट सेंसिटिविटी का रेशियो देखें, तो ये थर्ड वाला आंसर आ रहा है, क्योंकि ये तीनों चीजें मैच नहीं कर रही हैं। अब हमें लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी भी चाहिए, तो निकाल सकते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी को बीटा कर दीजिए, तो बीटा एम टू अपॉन बीटा एम वन, और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, देखिए ये एन ए बी अपॉन के वाला जो टर्म है, ये तो करंट सेंसिटिविटी है, तो ये अल्फा, ये बीटा बराबर अल्फा अपॉन आर है।
तो आर नीचे आ गया है, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए दोनों के रेजिस्टेंस से, तो ये आया है 7/5 और नीचे आर नीचे आएगा, तो एम टू वाला आर नीचे आएगा, ये करंट सेंसिटिविटी है और नीचे आर है, तो आर टू मेरे पास 14 नीचे आएगा और उसका आर यानी 14 आर वन 10 ऊपर आएगा। तो अब अगर आप इसको काटेंगे तो 70 और 70 कट जाएगा, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी 1:1 है, वो आंसर मैच भी कर रहा है। इस क्वेश्चन में खाली आपको दो चीज़ें थी, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी मालूम होना चाहिए, ये करंट सेंसिटिविटी है और वोल्टेज सेंसिटिविटी, और एक टर्म आपको एक्सपेरिमेंट में और मिलेगा, ये I/φ होता है, इसको हम फिगर ऑफ मेरिट कहते हैं, फिगर ऑफ मेरिट। तो इस ये उल्टा है सेंसिटिविटी का, और ये लीस्ट काउंट भी हो जाती है क्योंकि ये करंट पर यूनिट डिवीजन है। तो ये मेरे पास ये क्वेश्चन था, और कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं था, सारी वैल्यूज थी, बड़ी आसानी से कट गई। तो बस इसमें आपको दिक्कत हुई होगी थोड़ी सी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये टर्म्स याद नहीं रहते हैं, और दूसरी बात यह है कि फिगर ऑफ मेरिट आपके एनसीईआरटी के मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में दी भी हुई है और एक्सपेरिमेंट में भी आई है, इसीलिए ये क्वेश्चन रखा गया। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 29 वाली जहाँ तक बात है, ये तो मुझे बड़ा सिंपल सा लग रहा है। इन ए चैम्बर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 6.5 गॉस, तो मैग्नेटिक फील्ड हमने लिख दी 6.5 × 10⁻⁴ टेस्ला, दिया भी है, हमें याद भी था। एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन है और इसकी स्पीड दी गई है 4.8 × 10⁶ मीटर पर सेकंड, और नॉर्मल टू द फील्ड है, तो मुझे थीटा बराबर 90 है, तो मुझे मालूम है ये सर्कुलर में चलेगा, और रेडियस पूछ रहा है, तो ये होता है mv/qb। अब ये फार्मूला तो भाई आपको मालूम ही नहीं चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का मास 9 × 10⁻³ और वेलोसिटी आ गई, तुम्हारे पास वेलोसिटी दी गई थी 4.8 × 10⁶ और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ और मैग्नेटिक फील्ड दी गई है 6.5 × 10⁴। नंबर्स उतने गंदे नहीं है जितने लग रहे हैं, क्योंकि ये 16 है, ये 4.8 है, तो ये 3 हो गया, और 9 हो गया 27, तो 27 बटे, और ये है 6.5, ये है 6.5, और 10⁻⁴ को निपटा लीजिए, ये −31 है, और ये वेलोसिटी 6 है, ये 19 है, ये भी ऊपर आके प्लस हो जाएगा, तो 19 और 6 = 25 हो गया, और ये भी ऊपर आके प्लस हो जाएगा 4, तो ये 25 × 4 = 29 हो गया, तो ये खाली बचा 10⁻²। ये 19 और 4 हो गया, 19 ऊपर गया तो 25 × 4 = 29, ये −31 है, तो −2, और ये मेरे पास है ऐसे, ये 270 हो गया। अब आप इसको काट सकते हैं आसानी से, 5 से काट दीजिए, तो 5 × 6 = 25, इतने मीटर आ रही है, इसको हटा दें, आंसर सेंटीमीटर में है, तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करिए तो 77, तो 270/65 है, तो 270/65। अब ये कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, 60 का पहाड़ा पर ही 60 × 4 = 24 होता है, और 60×5 = 300 होता है, तो 270 ये करीब 4 करके कुछ फर्स्ट आंसर आना चाहिए। काटना चाहो तो काट लो, 5 से काट लो इसे, तो 5×6 = 25 और 5 × 20 और ये आ जाएगा 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 13, तो 13 को डिवाइड करो, 13 × 4 = 52, तब भी 4.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये 21 और 20 के पेपर से हैं, जिसमें भी पेपर में थोड़े से
फॉर्मूला तो एक लग रहा है, कंसेप्ट भी कोई कठिन नहीं है, थोड़ा सा पेपर आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी की स्पीड चेक करने की कोशिश कर रहा है, और वैल्यूज भी ऐसी दी गई हैं जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, फटाफट कट वट रही हैं। अब ये आप थ्योरी का क्वेश्चन है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन हम जानते हैं आई बराबर सिग्मा एम के स्क्वायर होता है, और ये के की वैल्यू सिर्फ शेप पर डिपेंड करती है। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देख लीजिए, जैसे रेडियस ऑफ गायरेशन आप निकालते हैं, रिंग की निकालते हैं, डिस्क की निकालते हैं, तो रिंग की कितनी होती है, एम आर स्क्वायर बराबर के आर स्क्वायर, तो ये वन आ गया, के बराबर वन आ गया। अरे ये के आर स्क्वायर क्यों लिख दिया, इसको एम के स्क्वायर लिख दिया, तो के बराबर आर लिख दिया। तो अब हमारे पास ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे नहीं डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, खाली शेप फैक्टर पर ये रेडियस ऑफ गायरेशन आ रहा है, एम से एम कट गया है। टॉर्क पे नहीं डिपेंड करता है, टॉर्क ज़्यादा लगाओगे तो मोमेंट एंगुलर एक्सेलेशन ज़्यादा आएगा, वॉल्यूम पे नहीं शेप पर डिपेंड कर रहा है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स अपॉन शेप, जितनी भी रिंग होंगी उनका कितना भी मास हो, के अपॉन आर जो होगा वो के की वैल्यू आर के बराबर हो जाएगी। अगर यहाँ पे साइज कर देते तो हमारे पास हो जाएगा। और एक चीज़ और भी बता दें हम आपको, कई बार आंसर के आंसर के आंसर के पीछे नहीं जाना चाहिए, जैसे कुछ लोग मुझसे ये कहेंगे कि अगर के की वैल्यू आर है तो सर ये तो आर उसका साइज हो गया, तो मतलब ये डिपेंड कर रहा है क्योंकि वॉल्यूम पे आर डिपेंड कर रहा है, नहीं आप देखिए ये फैक्टर क्या आ रहा है, ठीक है ना, खाली वॉल्यूम फैक्टर नहीं है, शेप फैक्टर, अगर ये रिंग होती तो ये आर बाई टू आ जाता, तो इसलिए इसको इंस्टेंट आंसर देना चाहिए। अब देखिए ये फॉर्मूला, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले रोटेशनल का चैप्टर है, सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 20 kg, तो मास आप 20 kg ले लीजिए, मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ जरा, रोटेट्स अबाउट एक्सिस विद एंगुलर स्पीड ओमेगा 100 कर दीजिए, रेडियस दे दी सिलेंडर की 0.25 है, और काइनेटिक एनर्जी पूछना है, तो सिंगल लाइन का क्वेश्चन है हाफ आई। अब सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला हम हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लगाने जा रहे हैं, तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर, तो 20 और रेडियस 2.25 मीटर है, तो ये 25/100 यानी 1/4 मीटर हो गई, तो 1/4 का स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा आपको दे दिया है तो 100 × 100 ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए ये क्या बना, ये मेरे पास ये 4 बना, तो ये 2 से काट दिया तो ये 25 हो गया, और ये फिर कितना बचा, ये अब क्या बना, दोबारा लिख लेते हैं 4, अब ये 20 और ये 4 × 4 और × 25 × 100, तो बेटा इससे तो मैंने ये 5 काट दिया और इससे ये 25 काट दिया, तो 25 × 25 होता है 625, और 625 को फिर 5 से गुणा कर दिया, तो 5 × 5 = 25, 2 × 5 = 10, 2 = 12, और 5 × 30 = 31, 3125 जूल इसका आंसर हो गया। सिंगल फार्मूला था, लेकिन इस बार आपको क्या था कि कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये गुणा करना पड़ेगा, और ये हम आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं, ये दो स्प्रिंग्स हैं, ये क्वेश्चन वैसे नीट में आया हुआ है, कई लोगों को इसका आंसर भी याद होगा, इसका आंसर सेकंड वाला है, और ये आता है अगर दो स्प्रिंग पैरेलल में हो तो ये आता है, और सीरीज में हो तो ये आता है, लेकिन इसको करेंगे कैसे बता दें, ये दो स्प्रिंग है और कहते हैं कि ए मास इज सस्पेंडेड सेपरेटली बाई टू डिफरेंट स्प्रिंग इन सक्सेसिव ऑर्डर ऑफ टाइम पीरियड T1 एंड T2,
तो इसका मतलब है कि ये दो चीजें आपको दी गई हैं, टी वन बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के वन है, और टी टू बराबर 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के टू है। ये दो चीजें तो इसमें दी गई हैं, और फिर उनको इस तरीके से लटका दिया गया है पैरेलल में, तो इसका टाइम पीरियड भी लिख दीजिए, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन, ये बेटा हो गया के वन प्लस के टू। सब लोग जानते हैं कि अगर स्प्रिंग पैरेलल में होती है तो इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट जुड़ जाता है। अब हमें करना क्या है कि 2 पाई को हटाना है और एम अपॉन के वन और के टू सबको हटाना है, तो आप एक काम करिए, जरा इस फॉर्मूले को देखिए, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई के है, तो इसको अगर स्क्वायर कर दें तो टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर एम बाई के आ जाएगा। तो बस यही मेरे पास काम है, इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो अगर 1/t स्क्वायर कर दें तो ये 4 पाई स्क्वायर के बाई एम आ जाएगा। तो ठीक है, 1/t स्क्वायर बराबर 1/4 पाई स्क्वायर के वन प्लस के टू बाई एम, मैंने यही कर दिया। 1/t स्क्वायर 1/4 पाई स्क्वायर और के वन प्लस के टू ऊपर और एम नीचे, तो 1/4 पाई स्क्वायर के वन अपॉन एम और प्लस 1/4 पाई स्क्वायर के टू बाई एम। अब जरा इधर से देखिए भाई, आपने क्या देखा, जो स्प्रिंग का कांस्टेंट था वो ऊपर था, मास नीचे है, 4 पाई स्क्वायर है, तो ये 1/t स्क्वायर बन रहा है। तो ये वाला टर्म क्या बना, इसको उल्टा करो तो ये 1/t1 स्क्वायर बन जाएगा, और उसी तरीके से ये 1/t2 स्क्वायर बन जाएगा, तो मेरे पास सेकंड वाला ऑप्शन आ जाएगा। और मेरी आपको एडवाइस है कि एक बार पैरेलल सीरीज में भी लेके कर लीजिएगा, तब आंसर फर्स्ट वाला आएगा। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर PYQ में दिया गया है। ये देखिए, ये एक मास इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम OP बिकम्स 2H, बाई वॉट फैक्टर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विल बिकम, बाई वॉट फैक्टर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विल बिकम। तो मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, पहले ये रिंग बना लेता हूँ। सपोज आपको ये मालूम होगा, अगर ये वाली डिस्टेंस हमारे पास एक्स है तो इसकी वजह से यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी, हमने तो पढ़ी नहीं पढ़ी, याद होगी, मैं लिखता हूँ जी एम मास ऑफ द रिंग अपॉन इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। और नहीं पढ़ी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो पढ़ी है, अगर बेटा ये चार्ज होता तो एक्स डिस्टेंस पे कितनी होती थी, 1/4 pi epsilon 0 क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 होता। तो आप जानते ही हैं कि हमारे पास ये जो फार्मूले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के और ग्रेविटेशन के, फील्ड और पोटेंशियल के ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो अब यहाँ पे दो चीजें दी गई हैं, पहली बात तो H बराबर R दिया गया है, और तो पहले फोर्स कितना होगा, अब ये फील्ड है
और अगर फोर्स निकालना है तो इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो पहले फोर्स था एफ वन वो कितना था, जी एम एम, और देखो एक्स की वैल्यू हमारे पास पहले एच थी तो एक्स की जगह एच लिखेंगे, और एच और आर भी बराबर हैं तो एच स्क्वायर और फिर एच स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 हो गया। इसके बाद आपको एफ टू निकालना है तो फिर यही कर देंगे जी एम एम, लेकिन ये 2h हो गया है तो x की जगह 2h कर दिया, और अब रेडियस तो नहीं बदलेगी वो तो एच स्क्वायर ही रहेगी। और प्लस 2h का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब हम एफ टू बाई एफ वन निकालेंगे तो इस फार्मूले को मैं हटा देता हूँ, मैं लिखता हूँ एफ टू बाई एम वन। अब आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, जब आप एफ टू और एम को हटाएंगे तो जी एम एम ये तो कट जाएगा और ये ऊपर वाला एच भी चला जाएगा, ये आ जाएगा 2। और थोड़ी सी मेहनत यही कर लो, ये थोड़ी सी मेहनत कर लो, ये एच स्क्वायर है या 4h स्क्वायर है तो ये 5h स्क्वायर हो गया, तो 5h स्क्वायर की पावर 3/2। और अब हम f1 लिखते हैं तो क्या बचा, f1 नीचे आएगा तो ये ऊपर वाला टर्म तो जो है ये तो 1 है, और ये जो 2h स्क्वायर है ये 2h स्क्वायर की पावर 3/2 ऊपर आ जाएगा। तो F2 बराबर F1, अब देखिए ये क्या बनेगा, ये 2H स्क्वायर, तो अब यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन है, जब आप स्क्वायर करेंगे तो देखो H वाला टर्म तो कट जाना है, ये 2 है और ये 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 और ये H क्यूब बन गया, और नीचे कितना आया 5 की पावर 3/2 और ये एच क्यूब बन गया, तो ये एच क्यूब से एच क्यूब कट गया तो ये कितना बना एफ वन। अब देखो ये 2 की पावर 3/2 है तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 2 की पावर 1/2, और इसको क्या लिख सकते हो, ये 5 की पावर 3/2 है तो 5 × 5 की पावर 1/2 लिख सकते हो, ये बन गया 4√2/5√5, तो 4√2/5√5 ये हो गया है, तो फर्स्ट वाला आंसर इसका आ गया। अब आपको लगेगा कि ये तो बड़ा लंबा कैलकुलेशन है, ये एडजस्टमेंट है, ऐसा कुछ ये ज़्यादा लंबा नहीं है, फिर एक दो क्वेश्चन तो लंबे रह ही सकते हैं। अब ये देखो ये बिल्कुल सिंपल है, ये कोई हमारे पास क्या है, ये कोई एक इनफाइनाइट शीट है, चार्ज इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन का वाटर है, चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी क्योंकि फील्ड इस के लेमडा 2λr होती, तो यहाँ फील्ड ज़्यादा है, इस तरफ फील्ड ज़्यादा है और इस तरफ फील्ड कम है। अगर हम फोर्स निकालेंगे तो हमारे पास इस वाले चार्ज पार्टिकल पर फील्ड की अपोजिट फोर्स इधर लगेगा और इस पर फील्ड की डायरेक्शन में फील्ड लगेगा, लेकिन ये वाला फोर्स छोटा होगा, ये वाला फोर्स बड़ा होगा क्योंकि यहाँ की फील्ड कम है, यहाँ की फील्ड ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला फोर्स लेफ्ट की ओर है, तो जो नेट फोर्स लगेगा वो डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स टूवर्ड्स लेफ्ट। भाई दो फोर्स है ना डाइपोल पर, एक माइनस क्यू पे लगने वाला है, एक प्लस क्यू पे लगने वाला। अब प्लस क्यू चार तो बराबर है, फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू ही, तो जिस जगह प्लस चार्ज है वहाँ पर फील्ड छोटी है,
डिस्टेंस ज्यादा है इसकी वायर से, तो यहाँ फील्ड छोटी है यहाँ बड़ी है, तो फोर्स ये वाला बड़ा हो गया लेफ्ट में, तो लेफ्ट वाला फोर्स बड़ा हो गया, तो रिजल्टेंट लोगे तो लेफ्ट नेट फोर्स लेफ्ट की ओर आएगा। आगे बढ़िए, ये भी आपके पास एक पी वाई क्यू का क्वेश्चन है, एक यूनिफॉर्म डिस्क है, और कई बच्चों को इसका आंसर भी याद आएगा, आर बाई सिक्स आ जाता है, ये तो कई लोगों ने देख के ही कर दिया होगा, लेकिन मुझे करना है। एक ये डिस्क है, इसकी रेडियस ये आर है, सपोज मास एम है, और यहाँ से हमने एक सर्कुलर होल काट दिया है आर बाई टू रेडियस का, और सेंटर ऑफ द होल इज आर बाई टू फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओरिजिनल डिस्क, यानी ये होल इस टाइप का है, इस कटे हुए होल का सेंटर ओरिजिनल सेंटर से आर बाई टू है। अब इसका फार्मूला आप जानते हैं, अगर जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट करेगा, देखो इधर वाला पोर्शन काटा गया है तो इधर शिफ्ट करेगा, जिधर से काटोगे तो इधर शिफ्ट करेगा, अगर इधर से काटोगे तो सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट करेगा, और शिफ्ट कितना करेगा इसका एक फार्मूला होता है, रिमूव्ड मास अपॉन रिमेनिंग मास और टोटल और इनके बीच की सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस। तो रिमूव्ड मास ये टोटल मास m था और इसकी रेडियस r थी यूनिफॉर्म डिस्क की, और अगर इस डिस्क का मास निकालेंगे तो देखो इसकी रेडियस इस डिस्क की रेडियस की आधी है, तो एरिया 1/4 हो गया। अगर बड़ी डिस्क का रेडियस या फिर तुम मास डेंसिटी मान के कर लो, ये लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ेगा, हम तो सीधे से जानते हैं कि अगर यूनिफॉर्म डिस्क है तो मास प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, और अगर पूरी डिस्क का रेडियस आर है, छोटी वाली डिस्क की रेडियस आर बाई टू है, तो छोटी वाली डिस्क का एरिया ए बाई फोर हो जाएगा, क्योंकि सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो रेडियस आधी हो गई तो 1/4 एरिया हो गया। तो अगर टोटल डिस्क का मास एम है तो इस कटे हुए पोर्शन का मास कितना हो जाएगा, एम बाई फोर आ जाएगा। अब ये आप चाहे जैसे निकालो, मतलब चाहो तो आप मास डेंसिटी सिग्मा मान लो, फिर लिख दो एम बराबर सिग्मा, ये सब करके, और सबसे सिंपल फंडा ये है कि जैसे ये टोटल मास एम है, इसका एरिया आधा है, तो इसका मास भी एरिया 1/4 है, तो मास भी 1/4 हो जाएगा, अगर ये एरिया से देखना पड़ेगा। और अगर ये थ्री डायमेंशनल बॉडी होती, जैसे मान लो ये डिस्क नहीं स्फीयर होते, तो फिर वॉल्यूम में देख लेते, अगर ये बड़ा स्फीयर का मास एम था और छोटे स्फीयर की रेडियस आर बाई टू है, तो इसका वॉल्यूम 1/8 हो जाएगा, तब इसका मास एम बाई एट हो जाता। तो यहाँ तो डिस्क है, तो पूरी डिस्क का मास अगर एम था तो कटी हुई डिस्क का मास एम बाई फोर हो जाएगा, तो रिमूव्ड मास कितना हो जाएगा, एम बाई फोर, और रिमेनिंग मास हो जाएगा एम माइनस एम बाई फोर, और दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस आर बाई टू है, तो ये एम बाई फोर है, ये थ्री एम बाई फोर है, तो ये आर बाई सिक्स आ जाएगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास जो कटी हुई डिस्क का है वो यहाँ ना होके यहाँ से आर बाई सिक्स डिस्टेंस पे कहीं ना कहीं होगा, और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द होल होगा, सेम डायरेक्शन ऑफ द होल में नहीं होगा, इधर से काटोगे तो सेंटर ऑफ मास इधर जाता है। इसके बाद ये देखो, ए रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम द सरफेस ऑफ मार्स विद ए स्पीड इक्वल टू द एस्केप वेलोसिटी। तो देखो यहां से ये एक मार्स है, मार्स मतलब प्लेनेट मास, मास इसका m मान लिया, रेडियस इसकी एफ आर मान ली, यहाँ से इसको फेंका और जो वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी है अंडर रूट टू जी एम बाई आर। अब ये ऊपर जाने लगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये तो एस्केप कर जाना चाहिए क्योंकि आपने एस्केप वेलोसिटी से फेंक दिया, लेकिन लोचा, 20% ऑफ इनिशियल एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस। अब देखो एक चीज याद रखना, टोटल एनर्जी में कौन सी एनर्जी लॉस होगी, पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी ना लॉस होगी, वो तो पोजीशन डिपेंडेंट है।
आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रहोगे तो पोटेंशियल एनर्जी तो जानते ही हो, GmmR के बराबर होगी, वो नहीं लास्ट होगी, लास्ट होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो जब ये ऊपर जाएगा, अब यहाँ पे इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला सबको मालूम था, तो मान लो ये एच हाइट तक गया, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, लिख लो, माइनस जी एमएम अपॉन आर प्लस एच। और चूंकि यहीं तक आया है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, बराबर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, माइनस जी एम एम बाई आर। और काइनेटिक एनर्जी जो थी वो हम हाफ एम वी स्क्वायर नहीं लेंगे, उसका 80% लेंगे, क्योंकि अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहां लिख दिया तो वो इनिशियल तो थी लेकिन जब यहां पहुंचेगी तो उसका लॉस हो गया होगा 80%, तो यहां लिख देंगे 80/100 और इंटू हाफ एम और वी स्क्वायर की जगह 2gm/r। अब आपके सामने बड़ा सिंपल सा है कि GmmGmmGmm काट दीजिए आप और ये 2 से 2 काट दीजिए, तो -1/r + h इज इक्वल टू -1/r और प्लस ये 2 से 2 तो कट गया है, ये 4/5 है, 4/5r हो गया, 4/5, ये 2 से 2 कट गया, ये r बचा हुआ है। अब आपको ये h की वैल्यू निकालनी है, तो हम ज़्यादा बुद्धिमानी न करते हुए यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट करते हैं, -1/r + h इज इक्वल टू LCM ले लीजिए, 5r ले लीजिए, तो -5 और +4, तो -1/r + h इज इक्वल टू -1/5r, तो 5r माइनस माइनस कट गया, 5r इज इक्वल टू r प्लस एच और h इज इक्वल टू 4r आ जाएगा। तो क्वेश्चन तो वही था, बस अर्थ के बदले में मार्स कर दिया था, तो उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं, कोई प्लेनेट हो, कोई भी हो, उसकी एस्केप वेलोसिटी अंडर रूट 2gm/r ही होती है। ये जो चेंज किया गया था बस यही आपको ध्यान रखना है, पोटेंशियल एनर्जी लॉस नहीं होती है, वो तो जितनी होनी है उतनी होती है, लॉस काइनेटिक एनर्जी का होता है। तो ये जो फाइनल एच हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और प्लस जितनी बच जाती है, 20% तो लॉस हो गई, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 80% लेना है, बाकी सिंपल कैलकुलेशन है। तो देख लीजिए अच्छी तरीके से, सिंपल है। और ये वाला क्वेश्चन तो आपका NCERT का सॉल्व एग्जाम्पल है, एक मेटल बार है 70 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो ये 70 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये 0 लिख दिया, ये 70 लिख दिया, मेटल बार ऑफ 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 kg इन मास इज सपोर्टेड ऑन 2 नाइफ एजेस प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट एज। तो 2 नाइफ एज ले लिए गए हैं, एक नाइफ एज ये लिया गया है, एक नाइफ एज ये ले लिया गया है, ये भी डिस्टेंस 10 है तो ये 10 ले लिया, और ये वाली डिस्टेंस भी 10 है तो यहाँ 60 ले लिया, 10 पहले, हम एक्स यहीं से ले रहे हैं। और इसका जो मास है वो मान लेंगे बीच से लगेगा, मेटल बार है यूनिफॉर्म मान के चलिए, नहीं अगर यूनिफॉर्म ही ये लिखा है, एज्यूम बार टू भी दिया भी है और ना भी दिया हो तो यूनिफॉर्म मान लो, अनलेस नॉन यूनिफॉर्म ना दिया हो, क्योंकि अगर नॉन यूनिफॉर्म मान रहा है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ फिर दिया होगा कि मास डेंसिटी कैसे बदल रही है। तो इसका जो वेट लगेगा 4 kg का, 4g वो मिडिल पॉइंट पर लगेगा यहाँ 35 पर, और यहाँ पे 2 नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे, एक ये R1 लगेगा, दूसरा ये R2 लगेगा, और एक वेट लटकाया गया है 6 kg का एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। तो 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, तो 30 सेंटीमीटर यहां से ले लिया,
ये 6 kg का वेट है, ये 6 kg है जिस एंड से लटकाया गया है, और ये 30 है, यहां पर ये 30 है। अब रिएक्शन ऑफ द नाइफ एजेस निकालना है, ये एक्सपेरिमेंट का भी क्वेश्चन है, मेटल बार का इक्विलिब्रियम आपके एक्सपेरिमेंट में भी है और साथ में एनसीईआरटी का ये सॉल्व एग्जांपल भी है। तो पहली चीज तो अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स, तो R1 प्लस R2 बराबर हो जाएगा मेरे पास 10 इंटू 10 100, 6 kg 4 kg तो 6 + 4 10g यानी 100। अब किसी पॉइंट के अबाउट आप ले लीजिए मोमेंट, तो इसी के अबाउट मोमेंट ले लीजिए, तो R1 का तो मोमेंट 0 हो गया और ये दोनों 6 kg और 4 kg ये इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज और ये घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एक तरफ, तो यहाँ पे डिस्टेंस रखी 30 और इंटू 6g और प्लस 30 35, और ये डिस्टेंस थोड़ी सी हमने गलत ले ली। कैसे गलत ले ली? डिस्टेंस तो हमें यहाँ से लेनी है ना, तो यहाँ से 30 है, ये 10 है, तो ये 20 हो जाएगा। तो 6g इंटू 20 और प्लस 4g इंटू, अब ये 35 है और ये 10 है, तो इंटू 25 बराबर R2 इंटू, अब यहाँ से लेनी है डिस्टेंस, तो यहाँ से ये 10 है, यहाँ से ये 10 है, तो ये 50 हो जाएगा, ये 50 आ जाएगा। बस इससे R2 निकल आएगा। R2 निकालने के लिए अब देखिए कैसे करते हैं। ये पहली बात तो जिससे कट रहा हो काट दीजिए, तो आप सबसे पहले काट दीजिए इसको, ये कर लिया 60 इंटू 20 प्लस 40 इंटू 25 बराबर R2 इंटू 50। अब 50 से काट देते हैं, पचास अब इसको काटना है, तो पहले तो 0 0 0 एक उड़ा दीजिए, अब 5 से काट दीजिए, ये 5 चला गया, ये 5 आ गया और ये 12 आ गया, तो ये हो गया 12 × 24 और ये हो गया मेरे पास 4 × 5 = 20, तो ये आ जाएगा 44। तो मेरे पास एक आंसर आ रहा है 44, कोई 44 है, ये R2 बराबर 44 न्यूटन, ये R2 बराबर 44। तो R1 कितना हुआ, R2 रख दीजिए 44, तो R1 हमारे पास 56 न्यूटन आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे कि सर अगर हमने इधर से लटका दिया तो R1 अलग आएगा, इधर से R2 अलग आएगा। तो देखो कुछ क्वेश्चन के हिसाब से चला करो, जब वो कह रहा है कि 6 kg एक एंड से लटकाया गया है तो उसी एंड वाले को R1 मानो। अब ये NCERT की लैंग्वेज है, हमारी थोड़ी ना है। अब 38 देखिए, इसमें तो बहुत ही सिंपल है, कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियस दी है, चार्ज दिया नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है इतनी और रेडियली इनवर्ड है, तो ये कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज इस पर मान लीजिए आप क्यू मान लीजिए, रेडियस आपको दे दी गई है 10 cm यानी 0.1 meter और सेंटर से 20 cm पर यानी 0.2 meter पर इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है। तो फॉर्मूला लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 1/4πε0 की जगह डायरेक्ट लिख दिया 9 × 10⁻⁹, चार्ज तो तुम्हें मालूम नहीं है लेकिन R तो तुम्हें मालूम है 0.2 का स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुम्हें मालूम है 1.5 × 10⁻³, बस अब Q की वैल्यू निकालनी है, तो निकालो Q की वैल्यू, ये 1.5 है तो ये कितना हो जाएगा, 15 × 6 = 90 हो जाएगा, 90/15, तो
क्यू बराबर हो जाएगा, ये 0.2 का जी हो जाएगा 0.04, और इंटू 10^3, और ये 10^-9 आएगा। तो 10^-6 आ गया, डिवाइडेड बाई ये एक 6 बचा हुआ है, तो यहां 6 भी आ जाएगा। तो ठीक है, और आगे बढ़िए, ये 4/6 हो गया यानी 2/3 हो गया, और 10^-8 हो गया। अब जब इसको डिवाइड करोगे तो 0.67 आएगा, और 10^-8 तो 6.7 इंटू 10^-9 कूलाम का चार्ज आ रहा है। अब दूसरी चीज पॉजिटिव है कि नेगेटिव, आंसर तो दो दो मैच कर रहे हैं, ये भी और ये भी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली इनवर्ड है, यानी ये पॉइंट है तो फील्ड इस तरफ है, और इस तरफ इनवर्ड फील्ड तभी होगी जब ये चार्ज निगेटिव होगा, तो इसलिए प्लस वाला आंसर नहीं होगा, माइनस वाला आंसर होगा, राइट? तो एक लाइन का फॉर्मूला था। और देखो बेटा, मुझे देर इसलिए लग रही है क्योंकि मैं एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, क्योंकि सब बच्चे तुम्हारी तरह होशियार नहीं होते हैं, कुछ तो खाली इसी समय पढ़ते हैं, साल भर पढ़ते ही नहीं है, तो हम लोग एक एक पॉइंट बताते हैं, करने वाले बच्चे इसको बड़ी जल्दी कर लेंगे। अब ये देखो 39 है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, तो वेवलेंथ दी गई है, लेमडा बराबर 5 × 10^-7 मीटर, पावर दी गई है 7.96 × 10^-3, और कह रहे हैं कितने फोटॉन निकलेंगे, तो टोटल एनर्जी पर सेकंड इतनी निकल रही है, और एक फोटॉन की एनर्जी निकाल लो और उसको आंसर निकाल लो, तो इसको कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं, इसको एक फोटॉन की एनर्जी से आप डिवाइड कर दीजिए, तो एक फोटॉन की एनर्जी होती है hc/λ। अब यहाँ पे हम रखेंगे 7.96 × 10^-3, और hc की वैल्यू कितनी होती है, देखो h की वैल्यू होती है 6.6 × 10^-34, और 3 की वैल्यू लाइट की होती है 3 × 10^8, और अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 1.98 आता है, 19.8 आता है, और 10^-26 आता है, और इसको करो तो ये 1.98 × 10^-25 हो जाएगा, ये सर लोगों ने रटाया भी है क्लास में, तो यहाँ पे ये वैल्यू डायरेक्ट लिख दो 1.98 × 10^-25, और ऊपर वेवलेंथ लिख दो, वेवलेंथ दी गई है 5 × 10^-7। अब यहाँ पे देखो हम कैलकुलेट करेंगे, देखो हम बहुत ही वैसे कैलकुलेट करेंगे, ये लगभग हम 2 मान लेंगे, क्योंकि मेन ये 5 2 फैक्टर नहीं करेगा, ये 15 15 और ये 6 है, ये मैटर करेगा। तो पहले 10 की पावर देखो, ये -7, ये माइनस, ये 15 आ गया, 10^15। अब ये वैल्यू कितनी है, 7.96 / 1.98 × 5। अब इसको अगर कैलकुलेट करना चाहो तो बिल्कुल एक्यूरेटली कैलकुलेट भी करो, तो ये ज्यादा है ये कम है, मैं देखो इसको गेस करना बता रहा हूं, ये तो आना नहीं है, ये पक्की बात मान लो, ये तो आना नहीं है 10^15। अब यहां पे देखो ये जो है डेसिमल हटा दो तुम, और इसको लगभग तुम मान लो 200, तो 796 और 200 कर लो इसे, और ये 5 आ गया, तो जब इसको डिवाइड करोगे ना तो ये वैल्यू जो होगी, अब 200 है, 200 दूनी 400, 300, 600,
ये 3 पॉइंट समथिंग है और ये 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15, और फिर एक डिजिट में लाओगे तो ये 10^16 के आसपास का आ जाएगा। और अगर ना कैलकुलेट करना चाहो मेरी तरीके से तो बस ये डिवाइड ही तो करना है, आंसर तो आ ही जाएगा। अब ये देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, एक हमारे पास हाइड्रोजन लाइक एटम है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो सिर्फ फार्मूले मालूम होने चाहिए। तो स्पीड क्या होती है, जेड बाई एन होती है, तो एस वाले का आंसर डी होगा। अच्छा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल बराबर एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2π होता है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बी होगा। तो देखो भाई एस का डी हो और आर का बी हो, तो एस का डी तो इसमें भी है, एस का डी इसमें भी है, एस का डी इसमें भी है, तो ये खत्म हो गया। लेकिन आर का बी सिर्फ इसमें है, तो इसका मतलब है इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा। और बाकी भी आप लोग जानते ही हो, करंट के लिए भी निकाल सकते हो। करंट क्या होती है, करंट होती है तुम्हारे पास जैसे ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो क्यू इंटू फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, वन अपॉन टाइम पीरियड, तो क्यू बराबर होता है टी की जगह 2π r, और वी तो आर के लिए होता है एन स्क्वायर, वी के लिए होता है जेड अपॉन एन क्यूब, तो हमारे पास ये आ जाएगा, करंट के लिए ये आ जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। तो सारे निकाले जा सकते हैं लेकिन मेरा आंसर खाली 2 से ही मिल गया। मैचिंग में यही किया करो, पहले जो सबसे इजीली मिल जाए उससे आंसर मिला लो, हो सकता है आंसर आपका उससे ही आ जाए। ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, बहुत ही सिंपल है, 2 इक्वेशन बनेंगे निकाल देंगे। फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इल्यूमिनेटेड सक्सेसफुली बाई मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा बाई 4 और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन द सेकेंड केस इज 6 टाइम्स इन दैट ऑफ फर्स्ट केस। तो पहले मैं लिखता हूँ, पहले के लिए लिखता हूँ के बराबर, ये पहला केस है और इसके लिए इल्यूमिनेटेड लाइट है एच सी अपॉन लैम्डा और माइनस वर्क फंक्शन, और दूसरे केस में एच सी अपॉन, अब ये लैम्डा बाई 4 है तो यहाँ 4 हो गया, वर्क फंक्शन यही रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी 6 के। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, वर्क फंक्शन निकालना है, तो बहुत सिंपल तरीका है, एक से के निकालो और दूसरे में रख दो। तो यहाँ पे ये के है, के की वैल्यू हम रखने जा रहे हैं, तो के की वैल्यू हम दूसरे कलर से रखेंगे 6 और के की जगह रख देंगे एच सी अपॉन लैम्डा माइनस 5, तो -6 5 और कर दिया। यहाँ मैंने देख लो के की वैल्यू रखी एच सी अपॉन लैम्डा माइनस 5, तो 6 के क्या होगा, 6 एच सी अपॉन लैम्डा माइनस 6 5, वो रख दिया, बराबर 4 एच सी अपॉन लैम्डा और माइनस 5। अब ये 6 एच सी बाई लैम्डा माइनस 4 एच सी बाई लैम्डा, तो 2 एच सी बाई लैम्डा बराबर उधर ले जाओ 6 5 माइनस 5 यानी 5 5, तो 5 बराबर हो जाएगा 2 एच सी अपॉन 5 लैम्डा, तो 2 एच सी अपॉन 5 लैम्डा सेकेंड आंसर आ रहा है। आप अपना आंसर मिला लीजिए, देखिए सही है कि नहीं। और इस टाइप के क्वेश्चन हर साल आते हैं, इसकी तो आपको प्रैक्टिस कर ही लेनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक लोचा है, ये लोचा है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। एक स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम है और ये थर्ड एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट पर आया, तो एटम में ये एनर्जी स्टेट होती हैं, तो मैं ज़रा इसको ठीक से बना दूँ, हालांकि फिगर की ज़रूरत नहीं लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए।
तो पहले मैं एक हाइड्रोजन एटम बनाता हूं, ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इलेक्ट्रॉन थ्री से वन में आता है और इससे ये जो एटम है ना बेटा, ये रिकॉइल कर जाता है। ए इलेक्ट्रॉन ऑफ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम पासेस फ्रॉम थर्ड एनर्जी लेवल टू द ग्राउंड लेवल, एटम रिक्वायर्स। तो यहां पे ये ध्यान रखना है कि एनर्जी कंजर्वेशन में जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा तो कुछ इसको एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी से एक तो फोटॉन निकल जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा डैश और यह एटम भी रिकॉइल कर जाएगा। मान लीजिए रिकॉइल स्पीड बी है तो हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगी। इसका मतलब ये है, और ये एनर्जी कितनी मिली जो यहां से यहां तक आने में लगी है, इसका मतलब है कि जो एनर्जी यहां से यहां तक आने में इलेक्ट्रॉन ने रिलीज करी है उसका कुछ पोर्शन एटम की रिकॉइल एनर्जी में चला जाएगा, यानी निकलने वाले फोटॉन की वेवलेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। अगर ये एटम ना रिकॉइल करता तब कितना निकलता, तब आप जानते हैं वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर वन माइनस वन बाई थ्री स्क्वायर, तो लैम्डा बराबर 9/8 R आ जाता। लेकिन ये तो तब निकलता ना जब ये एटम स्टेशनरी रहता, पूरी एनर्जी ये खर्च हुई वही एनर्जी लेके फोटॉन निकल गया। लेकिन अब एटम भी मचल रहा है, एनर्जी मिली, एटम ने कहा सिर्फ फोटॉन नहीं निकलेगा हम भी जाएंगे, तो जब कुछ एनर्जी ये एटम ले गया रिकॉइल करने में तो फोटॉन की एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई, तो फोटॉन की वेवलेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो गई, तो ग्रेटर देन 9/8 R इसका आंसर होगा। जनरली हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और जो ट्रांजिशन निकालते हैं उसमें ये मानते हैं कि एटम स्टेशनरी था और स्टेशनरी है, तो जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने लॉस करी है वो पूरी पूरी फोटॉन लेके निकल गया, उससे ये वेवलेंथ निकल आती है। लेकिन अगर एटम रिकॉइल कर जाए तो इस एनर्जी का कुछ हिस्सा या एटम ले जाएगा, निकलने वाले फोटॉन की एनर्जी इस एनर्जी से कम होगी यानी उसकी वेवलेंथ इससे ज्यादा होगी। ये इस क्वेश्चन की बेसिक कहानी थी। अगर आपसे कहा जाए कि बताओ जरा किस वेवलेंथ का फोटॉन निकलेगा, तो फिर एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगाइए। पहले एटम की एनर्जी जीरो थी, फोटॉन का मोमेंटम होगा एच अपॉन लैम्डा डैश और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी एम वी। फिर इन दोनों को सॉल्व करो, दो अननोन हो गए, ई तो मालूम ही है यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी एनर्जी होगी, एक लैम्डा डैश अननोन हो गया, एक वी अननोन हो गया। सॉल्व करने की रास्ता इतनी सिंपल नहीं है क्योंकि क्वाड्रेटिक बन जाएगा तो आपसे एनटीए पूछेगा भी नहीं, ये मैक्सिमम लेवल है, वो बस ये पूछ लेगा कि अगर एटम रिकॉइल नहीं करेगा तो इसी वेवलेंथ का फोटॉन निकलेगा और अगर एटम रिकॉइल करेगा तो एनर्जी का कुछ हिस्सा एटम ले जाएगा, निकलने वाले फोटॉन की एनर्जी कुछ कम यानी वेवलेंथ इससे थोड़ी ज्यादा होगी। दैट्स ऑल। फॉर ए न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो थ्योरी का क्वेश्चन है, एक एक पढ़ते हैं देखते हैं। सुटेबल न्यूक्लियाई फॉर फ्यूजन आर हैवी न्यूक्लियाई। अब फ्यूजन कराना है तो हैवी न्यूक्लियाई तो चलेंगे नहीं, फ्यूजन तो वो होता है जब दो लाइट न्यूक्लियाई मिलकर के एक हैवी न्यूक्लियाई बनते हैं, तो ये तो गलत हो गया। सुटेबल न्यूक्लियाई फॉर फ्यूजन आर लाइटर न्यूक्लियाई एंड रिक्वायर्स वेरी लेस टेम्परेचर, ये भी गलत हो गया। भाई फ्यूज करना है ना तो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जब वो पास आएंगे तो कूलॉम फोर्स उनको रिपल करेगा, तो फ्यूज होने का तो मतलब है पास ही ना हो, बिल्कुल मिल जाओ एक दूसरे में,
तो जो जितने पास आओगे कूलम फोर्स उतने ही ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा पास आ सके इसके लिए एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, और एनर्जी ज्यादा तब होगी जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, थर्मल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में बदलती है, तो फ्यूजन थोड़े मोटे टेम्परेचर पर नहीं होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, इसलिए फ्यूजन सन पे होता है जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, स्टार पे होता है वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको ग्राउंड लेवल पे फ्यूजन कराना है तो आपको लगभग उतना टेम्परेचर आर्टिफिशियली क्रिएट करना पड़ेगा जितना कि फ्यूजन के लिए जरूरत है, वो लगभग 10^10 के बराबर होता है। तो लेस टेम्परेचर पे तो क्या होगा कि एनर्जी कम है और रिपल्सन हुआ तो वो भाग गए, फिर फ्यूजन क्या हुआ वो भाग जाएंगे, फ्यूजन नहीं हो पाएगा। तो ये हाई टेम्परेचर पे होता है, लाइटर न्यूक्लियाई एंड रिक्वायर वेरी हाई टेम्परेचर, थर्ड वाला इसका आंसर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। ए स्ट्रिप ऑफ कॉपर एंड जर्मेनियम आर कूल्ड रेजिस्टेंस ऑफ, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन किया गया है, हीट के बजाय कूल कर दिया गया है, तो अगर हम हीट करते हैं तो कॉपर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा और सेमीकंडक्टर का या जर्मेनियम का घटेगा, लेकिन अगर हम कूल करते हैं तो उल्टा हो जाएगा, कॉपर का रेजिस्टेंस घटेगा और सेमीकंडक्टर का बढ़ेगा, तो कॉपर स्ट्रिप डिक्रीजेस एंड जर्मेनियम इंक्रीजेस। ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, ये सिरेनियम नहीं है ये जर्मेनियम है, इसीलिए हम लोग अपना ओरिजिनल पेपर लिए रहते हैं उसमें ये सही छपा है और इसमें भी गलती छपा हुआ है, खैर कोई बात नहीं। चलिए ये जर्मेनियम है, यहाँ तो जर्मेनियम सही लिखा है ना, ये सिरेनियम कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये थर्ड आंसर इसका सही है बेटा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आउटपुट निकालना है, ये तो निकाल लो भाई, ये एक नॉर गेट है तो यहाँ वाला पहले लिखते हैं, थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं, यहाँ वाला लिखते हैं, ये नॉर गेट है तो W प्लस एक्स का बार हो गया, और ये भी नॉर गेट है तो ये W प्लस वाई का बार हो गया, और ये नैंड गेट है तो W प्लस एक्स का बार और डॉट W प्लस वाई का बार, और ये मेरे पास इसका होल बार, ये मेरे पास आउटपुट हो गया जेड। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे करें, पहले ये वाला बार हटाओ, तो W प्लस एक्स प्लस W प्लस वाई, क्या किया मैंने, डिमॉर्गन्स लगाया, ए डॉट बी का बार बराबर ए बार प्लस बी बार, तो यहाँ पे मेरे पास ये ए है ये बी है, तो इनके बीच में प्लस आया और बार के ऊपर बार किया तो ये प्लस हो गया। अब इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये मिल रहा है W प्लस एक्स प्लस W प्लस वाई, तो ये मेरे पास सेकंड वाला आंसर हो गया है इसका। इसको ऐसे भी लिख सकते हो W प्लस एक्स प्लस वाई, क्योंकि W प्लस W की वैल्यू W के बराबर ही होगी, ये भी सही था। ये आइए इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है, बढ़िया है, सिंपल है। टू वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, यानी दोनों के यंग मॉडुलस बराबर हैं, उनकी लेंथ भी सेम है, ये वायर वन है ये वायर टू है, दोनों के मटेरियल बराबर है मतलब यंग मॉडुलस बराबर है, लेंथ भी सेम है। फर्स्ट वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड सेकेंड वायर हैज थ्री, तो इसका ए मान लिया इसका थ्री ए मान लिया। इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट टायर इन फर्स्ट वायर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा एल ऑन अप्लाइंग द फोर्स एफ, तो यहां पर फोर्स एफ लगाया और डेल्टा एल इसका एक्सटेंशन हुआ। फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सेकेंड वायर टू इंक्रीज द लेंथ बाय द सेम अमाउंट, यानी डेल्टा एल हम इसमें भी वही चाहते हैं तो इसमें फोर्स कितना लगाया ये पूछते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, डेल्टा एल बराबर क्या होता है, डेल्टा एल बराबर होता है एफ अपॉन ए एल अपॉन वाई, ये मालूम है कि नहीं मालूम है यंग मॉडुलस से,
वाई बराबर होता है एफ अपॉन ए डेल्टा एल और ये एल, तो डेल्टा एल बराबर एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन वाई, ये लिखा। और ये दोनों के लिए सेम होने चाहिए, ये मान लो पहले वायर के लिए डेल्टा एल दोनों में सेम चाहिए, तो एफ वन एफ टू, दूसरे वायर की लेंथ भी एल है, पहले वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है तो इसका थ्री ए है, और मेरे पास वाई सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है, तो ए से ए कट गया, एल से एल कट गया, वाई से वाई कट गया, तो एफ टू बराबर थ्री एफ वन हो जाएगा, तो फोर्थ वन इज द आंसर, 46 का आंसर फोर्थ वाला है। बहुत ही एक लाइन का क्वेश्चन था। सरफेस टेंशन ऑफ एक्सेस प्रेशर ये सोप बबल के अंदर 40/R होता है, इसको डायरेक्ट निकाल लो यार, 4 × 25 × 10⁻³, और डायमीटर है भैया 1 सेंटीमीटर, तो ये R होता है, तो 1/2 × 10⁻²। अब देखो ये 25 × 100 होता है और ये ऊपर जाएगा 200, और इंटू 10⁻², ये 2 है और ये 10⁻³ है, तो टोटल 20 पास्कल आ जाएगा, 20 पास्कल एक लाइन का कैलकुलेशन था। क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड कॉपर स्फीयर्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2, R1 और R2 का रेशियो भी दिया है, थ्रू 1 केल्विन, डेल्टा Q1 एंड डेल्टा Q2 रेस्पेक्टिवली, तो Q बराबर हो जाएगा मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर चेंज, और यहाँ पे मास के बारे में नहीं कह रहे हैं, रेडियस दिया है, तो आप मास को लिख दीजिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 πr³ इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा थीटा, ये क्यू आ गया। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, दोनों की केस में आपको Q1 डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा Q2 को रेशियो चाहिए, ठीक है। अब दोनों ही कॉपर के हैं तो डेंसिटी सेम होगी, तो D अपॉन D कट जाएगा, 4/3 π 4/3 π कट जाएगा, R1³ / R2³ आएगा, सेम है, स्पेसिफिक हीट कट जाएगी, टेम्परेचर चेंज भी सेम है, वो भी हट जाएगी। अब R1 / R2 कितना है, 2.5 है, तो ये 2.5 का क्यूब बना, तो 2.5 होता है 25/10, यानी 5/2, यानी 125/8। एक चीज और, डेल्टा Q2 अपॉन डेल्टा Q1 पूछ रहा है, हमने डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा Q2 पूछा है तो आंसर उल्टा हो जाएगा, बस Q2 ऊपर Q1 नीचे, R2 ऊपर R1 नीचे, 8/25। ये स्क्रू गेज है और लीस्ट काउंट पूछ रहा है, तो आप जानते हैं इस स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, तो 0.005 थर्ड आंसर हो जाएगा इसका, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। लास्ट में एडियाबेटिक प्रोसेस है, CP/CV दिया है, तो प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाई 2/3%, तो आप जानते हैं P/1/V/γ, तो V को लिख सकते हैं 1/P/1/γ,
तो v इज इक्वल टू वन अपॉन पी और गामा है 2/3। तो 1/γ हो जाएगा 2/3। अब अगर प्रेशर 2/3% बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटना है, और चूंकि 2/3 इज वेरी स्मॉल तो 2/3 × 2/3 आप कर दीजिए तो ये 4/9% वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। इसका आंसर फर्स्ट है, हम लोग तो ऐसे ओरल देख के कर देते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसको पूरे सॉल्यूशंस के साथ भी कर सकते हैं। आप इसको ऐसे कर दीजिए, डेल्टा जो एरर वाला फार्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 बराबर कांस्टेंट है, और ये पावर 1/γ है तो 2/3 × डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 जैसे सॉल्यूशन में भी दिया है, फिर वैल्यू रख के भी निकाल सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी हिस्ट्री क्वेश्चन। और मैं इस पेपर के बारे में बता दूं, पेपर आज का ऐसा था, ये जो टोटल पेपर है ये कुछ और आ गया है शायद, तो मैं नया पेज ले लेता हूँ। इसमें है क्या कि इस पहले तो मैं आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ क्योंकि आप लोगों को इसकी बड़ी चिंता रहती है। तो इस क्वेश्चन में बेटा मैकेनिक्स के अच्छे खासे क्वेश्चन थे 16, और प्रॉपर्टीज़ जो इलास्टिसिटी सरफेस टेंशन फ्लूड हैं उसके 3 थे, और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स KTG के 4 थे, और ऑसिलेशन और वेव के ये 2 क्वेश्चन थे। तो टोटल 4, 3, 7, 2, 9 और 16 और 9 25 क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के थे। इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले पोर्शन के 6 थे, मैग्नेटिज्म वाले के 5 थे, EMI और AC और EM वेव के मेरे पास 2 थे, ऑप्टिक्स के 5 थे और मॉडर्न फिजिक्स के 7 थे। तो टोटल 25 ये थे। तो इस पेपर में इस बार हम लोगों ने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर बिल्कुल बराबर बराबर रखे थे। जनरली फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन थोड़े से 1-2 कम होते हैं, ये रेशियो बदलता रहता है, कभी 26-24 का हो जाता है, एक आध बार 28 और 22 का भी हुआ है, या ऐसे ही चला करता है। एक्सपेरिमेंट के भी इसमें 2 क्वेश्चन थे, ज़्यादातर क्वेश्चन वन लाइनर थे, लेकिन उसमें आपको कैलकुलेट थोड़ा सा करना था, देख के आंसर नहीं मिल रहा था। तो ओवरऑल पेपर इज़ गुड, अगर आपने इसको किया है तो अच्छा रहेगा, और इसमें आपके मार्क्स भी बढ़िया आ जाएंगे अगर आपकी कैलकुलेशन एबिलिटी ठीक है। नीट के पहले ये पेपर अच्छा था क्योंकि कम से कम आपकी कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस बनेगी, और साथ में फंडामेंटल में ये कोई बहुत कठिन क्वेश्चंस नहीं थे। तो इन शब्दों के साथ अब हम विदा लेते हैं, विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद, और चलते चलते आई वुड लाइक टू थैंक्स माई एल्डर ब्रदर एंड डायरेक्टर ऑफ द न्यू लाइफ डॉक्टर सिंह सर, बिकॉज ऑफ हिम आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू एंड यू आर हियर टू हियर मी, और सबको फ़ायदा हो रहा है तो हम उनके प्रति काफ़ी कृतार्थ हैं। तो बहुत बहुत थैंक्स सिंह सर, और आपको बच्चों जय हिंद।